नमस्कार, चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। रजवाड़ों की भूमि राजस्थान एक बार फिर विधानसभा रण के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के नेता तैयार हो गए हैं अपनी अपनी जीत की कोशिश में। पिछली बार हमने बात की थी झुंझुनू के बारे में और आज बात करेंगे बानसूर सीट के बारे में। वैसे तो बानसूर फोर्ट काफी फेमस है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ के आपराधिक घटनाएं। यहाँ पर गोली चल जाना बहुत आम बात है। अत्याचार, लूटपाट, फायरिंग जैसी घटनाएं यहां आम है। बानसूर में कुल मतदाता 2,47,507 है। यहां एससी वोटर की संख्या 49,502 है, लेकिन बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी गुर्जर समुदाय की। इसके बाद यादव और राजपूत मतदाताओं की संख्या आती है। इस सीट पर जीत और हार प्रमुख तौर पर यही तीन जातियां तय करती है। इस सीट पर कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे शकुंतला रावत को उतारा है और बीजेपी ने देवी सिंह शेखावत को। कांग्रेस से शकुंतला रावत के काम से उनका नाम बढ़ा है। बीते 70 सालों में बानसूर का जितना विकास नहीं हुआ उतना शकुंतला रावत ने अपने कार्यकाल में कर दिखाया है। नारायणपुर जहां एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वहां अब उपखंड, करालय, तहसील, बालिका कॉलेज, अंबेडकर छात्रावास तक बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर सेकेंड नंबर पर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा था कि बानसूर से उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये निश्चित है कि ये जीत एक तरफा हो सकती है। उन्होंने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, फिर पिछले चुनाव के परिणाम के बाद उनके ऊपर बीजेपी ने दांव खेल दिया है। मैं लेती हूँ इजाजत और अगली बार फिर मिलेंगे एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के साथ। नमस्कार।